फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ममता। आई नो थोड़ा लेट हो गया मुझे ये सारी चीज़ें शेयर करने में। मैंने पर्पल से शॉपिंग की थी, लेट इसके लिए भी हो गया था, कुछ डिलीवरी में भी ऑन टाइम नहीं डिलीवरी थी। पर्पल ने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा है और टाइम भी ऐसा चल रहा है तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता। और भी मैंने बुक किया था बट वो भी अभी तक डिलीवरी नहीं आई है, वो भी लेट है। तो ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो वो भी दो तीन चीज़ मेरी उन्होंने डिले कर दिया है डिलीवरी में। तो वो जब भी आ जाएगी तो मैं आपको अपडेट दे दूंगी मैंने क्या मंगाया था और कैसी है वो चीज़ें, मतलब यूज करने में कितना इफेक्टिव है। तो ऐसा कभी पर्पल में नहीं होता, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। और पर्पल की सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है, रेंज उसके काफ़ी कम होते हैं और चीज़ें में क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज पर्पल नहीं करता। की थी कुछ अफोर्डेबल चीज़ें हैं और अच्छी क्वालिटी की है, तो मैंने सोचा कि अफोर्डेबल में जल्दी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं मिलती है, तो मैं आपको शेयर करूँ कि अगर आप ये चीज़ें खरीदना चाहते हैं जो आप खोज रहे हैं कि अफोर्डेबल में अच्छी चीज़ें मिले हमें। मैंने सोचा कि आपको मैं ये दिखा दूँ कि मैंने जो खरीदी है बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत ही अच्छा, रेंज बहुत कम है और चीज़ बहुत क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है। तो मैं अभी जल्दी जल्दी बातें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर। फर्स्ट है वो है विल्ड टर्मरिक, एब्स गुडनेस का विल्ड वाइट टर्मरिक है। हम लोग जो किचन में हल्दी यूज करते हैं वो हल्दी नहीं लगानी चाहिए, हम लोग को ये हली हल्दी यूज करनी चाहिए, क्योंकि ये हल्दी ये जो हमारी स्किन को ब्राइटनेस बढ़ाने में ये हली हल्दी ही इफेक्ट करती, किचन वाली नहीं। तो आप जब भी हल्दी के यूज करो तो आप ये ले सकते हैं। और ये कुछ 99 रुपीस का है और ये 50 ग्राम है, पर आपको डिस्काउंट में, मैं आपको डिस्काउंट के बाद भी बताऊंगी कि डिस्काउंट में मुझे कितना मिला है। तो अक्सर ये चीज़ें सब लोग नहीं बताते, तो देखिए मैंने इतना बड़ा चिट्ठा लेके बैठी हूँ मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कि डिस्काउंट में अगर आप खरीदना चाहते हो तो कितने का ये मिल गया है मुझे। हाँ, डिस्काउंट में मुझे 70 के आसपास पड़ी है। तो आप ऐसे मतलब डिस्काउंट ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो आप ये ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी अच्छी है, उसके सारे भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, ये ले सकते हैं हल्दी में। नेक्स्ट है अगेन गुड एल्प्स गुडनेस का मुल्तानी मिट्टी है, ये मुल्तानी मिट्टी पाउडर है ये, और ये है 55 रुपीस का इसका ओरिजिनल प्राइस है और 50 ग्राम का है, बट हमें डिस्काउंट में 42 रुपीस का मिला है। तो ये डिस्काउंट ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप ये मत करिएगा, मतलब 42 का डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट हमें ये मिला है और ये भी काफ़ी अच्छा है। मैंने कई बार यूज कर चुकी मैं ये, और ये इसको 100% दूंगी, काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो प्लीज़ ये दोनों आप मुल्तानी और हल्दी पाउडर। प्रोडक्ट मेरा बायोटिक का मॉइस्चराइजर है, बायोटिक की सारी चीज़ें मुझे काफ़ी बहुत पसंद है, उनके नेचुरल होती है उनकी चीज़ें और वो आयुर्वेदिक भी होती हैं और काफ़ी अच्छी होती है उनकी चीज़ें। तो बायोटिक का मुझे ज़्यादा ही कुछ पसंद आया ये मॉइस्चराइजर, ये कुछ ऐसा है क्रीमी, इसकी स्मेल इसकी बहुत अच्छी है, ऑयली भी नहीं है, ज़्यादा ड्राई भी नहीं है, नॉर्मल है, तो अच्छा है ऑयली स्किन के, नॉर्मल स्किन के लिए और ड्राई स्किन के लिए भी अच्छा है, ज़्यादा ऑयली नहीं है ये, ज़्यादा मेंशन रखा है कर रखा है, ऑल स्किन टाइप का है ये, स्मेल काफ़ी अच्छी है। और मैंने इसको यूज किया है 2-3 दिन के बाद ही, मैं ये सारी वीडियो अपडेट कर रही हूँ, मैंने 2-3 दिन सारी चीज़ें यूज कर ली है उसके बाद ही मैं ये वीडियो बनाई हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं पहले इसको यूज कर लूँ और मुझे क्या मतलब यूज कर ले फिर अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ऐसा नहीं कुछ बोल दूँ कि कुछ भी जाके ले लो अच्छा अच्छा है। तो इसलिए मैंने 2-3 दिन इसको पहले यूज कर लिया था, तब मैंने आपसे शेयर किया। सच में ये बहुत ही अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद आया। और ये 100 ग्राम का है ये, और ये कुछ है 99 का, पर डिस्काउंट में 130 का आपको मिल जाएगा। मैं ज़्यादा डिस्काउंट में बताऊँ तो डिस्काउंट में सारे अच्छी चीज़ें मिल जाती है पर्पल में, आपको टेंशन लेने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसके डिस्काउंटेड आते जाते रहते। तो अगर आप मॉइस्चराइजर, अच्छा कोई मॉइस्चराइजर अफोर्डेबल खोज रहे हैं तो आप ये ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, बायोटिक की नेचुरल है, तो बायोटिक का सारा चीज़ अच्छा होता है, बायोटिक का टोनर भी काफ़ी अच्छा है, फेस वॉश भी अच्छा है, तो आप ये परचेस कर सकते हैं मॉइस्चराइजर। नेक्स्ट मैंने लिया है गुड वाइब्स का सीरम है ये, और ये सीरम है विटामिन सी विटामिन डी स्किन ग्लो सीरम, ये 10 ml का है, और इन्होंने सारा अपना, मुझे पर्पल की ये चीज काफी पसंद आती है कि वो जो भी डालते हैं वो सारा मेंशन उसमें कर देते हैं, तो ये काफी आई थिंक बेस्ट क्वालिटी है। तो ये अक्सर कंपनियां ये नहीं करती हैं, तो आई थिंक उनको इस चीज में 100% देना चाहिए कि ये सारी चीजें इन्होंने मेंशन कर रखी है, आई थिंक वेरी गुड क्वालिटी। तो ये कुछ ऐसा है लिक्विड में, मुझे रोज हिप सीरम काफी पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन मैंने सोचा आपके लिए कुछ अलग लेती हूँ इस बार, तो मैंने ये लिया है।
अच्छा है, नॉर्मल स्किन के लिए भी अच्छा है, ऑयली स्किन के लिए ज्यादा ऑयली नहीं है ये, मेरे को नॉर्मल है तो मेरा तो सही लगा, तो अच्छा है, ऑयली स्किन के लिए भी काफी अच्छा है ये। और इसकी इसका प्राइस है 225, पर ये डिस्काउंट में आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएगा, ये आप ले सकते हैं, नहीं तो आप गुडवा रोज ही लीजिएगा, काफी अच्छा है वो तो। आप मैंने ये ट्राई किया, ये भी अच्छा है मेरे लिए। तो गुड वाइब का असेंशियल ऑयल्स गाइस, अगर आप कोई भी असेंशियल ऑयल खोज रहे हैं तो प्लीज़ मैं हाईली रिकमेंडेड करूँगी कि आप जाके ये लिए। इसकी खुशबू एकदम ऑरेंज जैसे रहती है, संतरे की खुशबू है, इतनी अच्छी इसकी स्मेल है, और ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद आया है असेंशियल, और ये काफ़ी अफोर्डेबल है सारे असेंशियल ऑयल से, और इसका प्राइस है 115, पर ये आपको डिस्काउंट में 100 के लगभग मिल जाएगा। तो आप एसेंशियल ऑयल खोज रहे हैं तो ये ले लीजिएगा, गुड वाइब्स का ऑरेंज एसेंशियल ऑयल है ये, टी ट्री एसेंशियल ऑयल काफी अच्छा होता है अगर आपके पिंपल्स वगैरह ज्यादा, मुझे ज्यादा पिंपल्स नहीं आते तो मैंने एसेंशियल ऑयल लिया है। तो आप अगर एसेंशियल ऑयल खोज रहे हैं तो आप ये जाके गुड वाइब्स का परचेस कर सकते हैं, काफी अफोर्डेबल और काफी अच्छी क्वालिटी का है ये, 100% प्योर है, मैं इसको 100% दूंगी। मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है NY का लाइनर, ये ब्लू लाइनर है, काफी अच्छा कलर है, देखिए मैंने यही लगा के रखा है। इसका एप्लीकेटर बहुत अच्छा और स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है ये, और इसका एप्लीकेटर खोज रहे हैं लाइनर तो ब्लू लाइनर वो भी, तो ये इसका कलर ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा कलर है, बहुत प्यारा कलर है, बहुत प्यारा ब्लू कलर आया है, और ये स्मच प्रूफ है, अगर काफी अफोर्डेबल भी बहुत है, तो आप अगर परचेस करना चाहते हैं तो प्लीज जाके ये वाला परचेस करिएगा, ब्लू NY का ब्लू लाइनर है ये। और ये है इसका रेंज है 149 रुपीज का रेंज है, पर ये डिस्काउंट में मिल जाता है अच्छा, और इन्होंने सारा मेंशन कर रखा है, और इसका शेड है 02 ब्लू 02। आप मेरा फेवरेट रहा ये, देखिए क्या प्यारी आई, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, हाईली रिकमेंडेड मेरे तरफ से ये। NY का कंसीलर प्लस करेक्टर प्लस फाउंडेशन स्टिक, पर मुझे ये फाउंडेशन स्टिक ज़्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि ये डेली, मतलब ये डेली रूटीन के लिए है और ज़्यादा कवरेज नहीं है इसमें, तो अगर आप ज़्यादा कवरेज का खोज रहे हैं तो ये नहीं है, इसका कवरेज ज़्यादा नहीं है। हाँ, डेली रूटीन के लिए काफ़ी अच्छा है, मेरी स्किन से मैच खा रहा है, ये देखिए ब्लेंड भी काफी अच्छा हो जाता है। और स्टिक की ये खास बात रहती है कि इसमें आपको ब्रश वगैरह खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, स्पंज वगैरह खोजने की जरूरत नहीं होती है, ये ऐसे ही डायरेक्ट लीजिए और ऐसे ऐसे लगा लीजिए और अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और प्लस पॉइंट इसका ये होता है कि ट्रेवल फ्रेंडली रहता है, आप इसको कहीं भी ले कैरी कर सकते, ले जाना चाहते तो अच्छा है, डेली रूटीन के लिए अच्छा है, फाउंडेशन डेली रूटीन में जल्दी मतलब होता है ब्लेंड, तो ये ब्लेंड अच्छे से हो जाता है जल्दी जल्दी में है, आप मेकअप करना चाहते हैं ऑफिस अगर आप जाते हैं तो आप इसको जल्दी से लगा सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, अच्छा है। लेकिन हाँ, ज्यादा कवरेज इसका नहीं है, कवरेज डेली के लिए अच्छा है, जिसे नो मेकअप टू मेकअप करना है तो अच्छा है, ज्यादा हाइलाइट वेट है तो आई थिंक ओके प्रोडक्ट है ये। नेक्स्ट मेरा प्रोडक्ट है NY का ये वाइट काजल, देख सकते हैं गाइस, ये उतना, ये देखिए मैंने वही लगाया है आपका, उतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ओके प्रोडक्ट है ये, मुझे थोड़ा कम पसंद आया, बट प्राइस के हिसाब से अच्छा है, प्राइस इसका बहुत ही कम था तो मुझे अच्छा लगा। इसका प्राइस 85, पर डिस्काउंट में ये मिल जाएगा आपको 60 या 50 रुपीज में, और डिस्काउंट में ये भी आपको जो मैंने दिखाया स्टिक भी, इसका प्राइस है 115, पर ये डिस्काउंट में ये भी आपको अच्छे रेंज में मिल जाएगा, और ये भी अच्छे रेंज में मिल जाएगा, मतलब अफोर्डेबल में अच्छा है, ज़्यादा ये जैसा रेंज है उसके हिसाब से ये ओके है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा गुड वाइब्स का कोकोनट ऑयल, ये कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल है, ये हर जगह, तो आप पैरासूट ऑयल मत डालिए, वो अपनी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता, कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल डालिए, मतलब कोल्ड प्रेस का मतलब ये होता है, ये डायरेक्ट दूध से, जो नारियल का दूध होता है उससे निकाला जाता है ये, तो ये काफ़ी बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, हमारे बाल के लिए, हर एक चीज़ के लिए अच्छा होता है। मैं इसके यूजेस आगे आपको बताती रहूँगी कि इसको मैं कहाँ यूज कर रही हूँ, कहाँ बहुत अच्छा है, और रेंज भी इसमें काफ़ी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया था ये एक बार, तो मैंने नेक्स्ट बार भी इसको परचेस किया है। और इसका रेंज है 180, लेकिन आपको डिस्काउंट में अच्छे रेंज में ये मिल जाएगा, तो आप इसको ले सकते हैं,
100% मैं इसको दूंगी, प्लीज परचेस करिएगा। तो आप ये गुड वाइब्स का कोकोनट है अफोर्डेबल में, ऐसा अफोर्डेबल में ऐसे रेंज में आपको कोई भी नहीं मिलेगा, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। प्रोडक्ट है मेरा ये अगेन गुड वाइब्स का कैस्ट्रोल ऑयल है, ये भी कोल्ड प्रेस कैस्ट्रोल ऑयल है। आपको पता है कैस्ट्रोल ऑयल हमारे हेयर के लिए, हमारे आईब्रो के लिए कितना अच्छा, हेयर ग्रोथ के लिए, आईब्रो ग्रोथ के लिए कैस्ट्रोल बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप आपके आईब्रो ग्रोथ नहीं कर रही तो आप 2-3 बूंदे लेके ऐसे इसको लगा सकते हैं, ग्रोथ अच्छी होती है। बाल आपका गिर रहा है बहुत ज़्यादा, गिर रहा है बहुत ज़्यादा, टूट रहा है, तो आप इसको कैस्ट्रोल ऑयल तेल में अपने डाल के लगा सकते हैं। तो इसको बाल के लिए भी काफ़ी अच्छा है, ग्रो अच्छा होता है बाल। तो आप ये प्लस पॉइंट इसका, ये कोल्ड प्रेस कैस्ट्रोल ऑयल है और इसका रेंज काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत कम रेंज है, ये कम रेंज में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छा। इसका रेंज है 130 या 100 ml की है, ये भी 100 ml की है, 130 इसका रेंज है। तो आप डिस्काउंट में आपको 100 के लगभग मिल जाएगा, मैं एग्जैक्ट डिस्काउंट नहीं बता रही हूँ अभी, तो डिस्काउंट में आप मिल जाएगा अच्छा रेंज का। अगर आप कैस्ट्रोल आप लगाइए, आपके बाल जो पहले से झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, ब्रो ग्रोथ नहीं कर रहे, तो उसमें यूजेस होंगे, मैं आगे इसके यूजेस बता दूंगी, बहुत अच्छा है कम रेंज का। नेक्स्ट है मेरा NY काजल है, ये काफ़ी अच्छा काजल है, कम अफोर्डेबल का काजल है और अच्छा है, डार्क भी इसका ब्लैक डार्क है, ये देख सकती है ब्लैक डार्क है, ये देख सकते हैं, और अच्छा है, स्मर्ज प्रूफ है, वाटर प्रूफ, आई थिंक उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है पर ठीक है, ओके है, रेंज के हिसाब से काफ़ी ओके है, बहुत हद तक ओके है। इसका जैसा रेंज है उसके हिसाब से मुझे ये अच्छा लगा, क्योंकि इस रेंज में कोई भी इससे अच्छा आपको नहीं मिलेगा काजल। और इसका रेंज है 90 rupees, ओनली 90 rupees है, और ये आपको डिस्काउंट में काफ़ी अच्छे दाम में मिल जाएगा। और मुझे स्टे क्वर्की का काजल काफ़ी पसंद है, वो स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ, 24 घंटा रहता है, तो इस ये भी इसके रेंज के हिसाब से मुझे ये भी काफ़ी पसंद आया, तो मैंने सोचा इस बार आपको ये लेके देखती हूँ, क्योंकि इसका रेंज काफ़ी कम था, तो मैंने सोचा ये यूज की, ये भी मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट में NY का ये लाइनर है, लिक्विड लाइनर है, ये भी काफ़ी अच्छा है, डार्क ब्लैक है, ये देखिए एकदम डार्क ब्लैक है, और ये स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, हाँ ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लेकिन आपके 8-9 घंटा आप रहेगा ये। और जो हम लोग लाइनर लगाते हैं कम रेंज का लेते हैं और बाहर से लेते हैं कम रेंज का, वो वाइट वाइट ऐसा निकलता है, एकदम वाइट और चमकीला जैसा रहता है, ये ऐसा नहीं, मैट फिनिश है, ये मैट फिनिश। और इसका रेंज अपने अंदर आप छोक जाएंगे, ये ओनली 40 rupees का है, इससे सस्ता लाइनर मैं गारंटी दे रही हूँ आपको, इससे सस्ता और इससे अच्छा लाइनर आपको कहीं नहीं मिलने वाला, कहीं नहीं मिलने वाला। तो ये NY का लिक्विड लाइनर है, मैट लाइनर है और ओनली 40 rupees पर खोज रहे हैं अफोर्डेबल में, तो मैं इसको आपको हाईली रिकमेंडेड करूँगी कि आप ये लाइनर लें, बहुत ही अच्छा रेंज और क्वालिटी गुड है, बहुत ही गुड है, रेंज के हिसाब से इसकी क्वालिटी काफ़ी अदर है। इसका एप्लीकेटर भी काफ़ी अच्छा है, विंग लाइनर बहुत अच्छे से लग जाता है इसका, ये देखिए। और आप बिगनर हैं तो ये आपके लिए ही है, तो सैंडलवुड जेल है ये, पर मैंने इसको अभी यूज नहीं किया है, ये देखिए अभी ये पैक है, तो मैं इसका ये बता नहीं सकती हूँ क्योंकि मैंने अभी इसको यूज नहीं किया है। तो मुझे अच्छा लगा सैंडलवुड जेल अच्छा रहता है हमारी स्किन के लिए, तो मैंने सोचा ये एक बार इतना छोटू सा लेके ट्राई कर लेती हूँ। तो गुडनेस के भी सारे प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, तो काफ़ी अच्छे होते हैं अफोर्डेबल में, अगर अफोर्डेबल में अगर आपको चाहिए तो एस गुडनेस का प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे रहते हैं। 30 ग्राम का इसका 75 rupees इसका दाम है, पर डिस्काउंट में अच्छा मिल जाता है, बट मैंने ट्राई नहीं किया तो मैं बता नहीं सकती हूँ, तो बट अच्छा होता है इसका प्रोडक्ट, और सैंडलवुड जेल तो अच्छा होता है स्किन के लिए, तो मैं आगे की इसको यूज करके मैं बता दूंगी आपको। नेक्स्ट मैंने लिया है स्टे क्वर्की का मैट लिपस्टिक है, ये मैट फिनिश, ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसका एक है ये बहुत ही मैट है, बहुत ही ड्राई है, तो उतना ड्राई अगर आप लिप लाइनर लगा के ही इसको लगाइएगा, और ये ड्राई काफ़ी ड्राई है, लेकिन इसका कलर काफ़ी अच्छा है, और ये 24 स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, 24 घंटा टिका रहेगा जब तक आप इसको निकालेंगे नहीं। इसका एप्लीकेटर काफ़ी अच्छा होता है, ये देखिए
लगाने में और आउटलाइन लगाने में काफी अच्छा होता है, बहुत अच्छे से फील होता है। बिगनर है आप तो इसके आपके लिए ही बना है ये, क्योंकि बिगनर को ये काफी अच्छा है इसका एप्लीकेटर। इसका कलर बहुत प्यारा कलर है, बहुत प्यारा कलर है। और इसका शेड है, इसका शेड 18 किस यू है। और तो ये हाँ ये किस प्रूफ भी है, नो ले सकते स्टेकर की का है ये। मैंने ये इसका कलर है, कलर काफी प्यारा है, रेड कलर है इसका। और इसका प्राइस है 499 रुपीज का प्राइस है, पर डिस्काउंट में मिल जाता है स्टेकर की का लिपकिट लिपस्टिक मैट फिनिश, ये आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया था ये अगेन लिपस्टिक है, ये NY का लिपस्टिक, ये भी लिक्विड लिपस्टिक है, वाटर प्रूफ है, ट्रांसफर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, सारा है। ये देखिए मैंने यही लगाया है, कलर का बहुत प्यारा लगा मुझे, पिंक कलर का है, बहुत प्यारा कलर है, बहुत प्यारा कलर। बस इसकी एक इन्होंने कमी दे दी है, इसका एप्लीकेटर इन्होंने अच्छा नहीं दिया। ये कलर इसका एप्लीकेटर उतना अच्छा नहीं है, ये लगाने में इसे हिलता डुलता है, ये देख सकते हैं इसका एप्लीकेटर। तो ये इसका एप्लीकेटर अगर इन्होंने अच्छा दिया होता तो ये काफी अच्छी लिपस्टिक होती, लिक्विड लिपस्टिक होती है, बहुत ड्राई हो जाती है, बहुत पैची सा दिखता है हमारे लिप्स पर, और ऐसा लगता है मैंने क्या लगा के रखा है लिप्स पर, बहुत ही मतलब वेट उसका बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसा लगता है मैंने बहुत कुछ है। ये बहुत ही लाइट वेट है, ऐसा लगता ही नहीं कि हमने कुछ लिप्स पर लगा रखा है, बहुत लाइट वेट है लिपस्टिक। कलर इसका बहुत अच्छा है और इसका वाटर किस प्रूफ है, कलर काफ़ी प्यारा है और क्रीमी है, ये चलता है सूखने के बाद। और ये काजल और ये लाइनर भी आप सूखने के बाद ही इसको टेस्ट करा करिए, सूखने के बाद ही पता चलता है कितना लॉन्ग। अगर आप बिना सूखे आप इसको ऐसे कर देंगे तो वो फैल जाता है, कोई से भी कितना भी रेंज का हो, अगर बिना सूखे आप इसको लिपस्टिक को या लाइनर या काजल को आप करेंगे तो वो फैल जाता है। सूखने के बाद ही इसको आप देखिएगा कितने देर तक चलता है। तो इसलिए काफ़ी अच्छा है, कलर अच्छा है, लेकिन इस बस इसमें एक माइनस पॉइंट है कि इसका एप्लीकेटर नहीं अच्छा है, और वैसे ओके प्रोडक्ट है ये, बट इसका एप्लीकेटर में थोड़ा आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। कलर और कलर के लिए ओके और लाइट वेट क्रीमी और ट्रांसफर प्रूफ किस प्रूफ, तो इसके लिए ओके। बिग ड्रीम 27 इसका सेड है, प्राइस है 195, पर ये डिस्काउंट में आपको अच्छे दाम में मिल जाएगा। डिस्काउंट में आई थिंक मुझे पड़ा था 120 के डिस्काउंट में मुझे आई थिंक पड़ा था, तो आपको डिस्काउंट में अच्छा मिल जाएगा। तो इस रेंज में आपको लिपस्टिक अच्छी है, रेंज के हिसाब से अच्छी है, एप्लीकेटर थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बस यही थी मेरी आज की शॉपिंग, मैंने और भी कुछ किया था शॉपिंग पर वो अभी तक नहीं आया है, डिलीवरी में डिले हो गया है, तो आ जाएगा जैसे ही तैसे मैं आपको अपडेट दे दूंगी, बता दूंगी मैंने क्या खरीदा और कितना अफोर्डेबल है, क्या मतलब अफोर्डेबल है और कितनी इसकी क्वालिटी कैसी है, ज़्यादातर तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए बस, तो मैं वो अपडेट आपको दे दूंगी। और आपका मैंने आज का बता दिया, हाँ मेरा ये देखिए लाइन कहीं भी बाद लेकिन हाँ, और ये मैंने ये काजल ये वाइट कलर काजल ही लगाया है, और मैंने यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट उससे ही कर लिया है वाइट काजल से, तो हाईलाइटिंग के लिए भी काफ़ी मतलब हाईलाइटर के लिए जल्दी मिला तो ये उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने नोज़ पे भी थोड़ा हाईलाइट किया है इससे ही वाइट काजल से, तो आप इसके ऐसे भी यूज कर सकते हैं। सूखने के बाद कहीं भी टच से मस नहीं होगा, ये देखिए सूखने के बाद, लेकिन अब ये इतना सूख नहीं पाया है, तो मैं जल्दी लिए आपको इसके स्वेचेस दिखा दूँ। हाँ इसकी पैकेजिंग के लिए मैं इसको 100% दूंगी, क्योंकि इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी रहती है। ये ऐसा है, इसके ऊपर से प्लास्टिक था, पहले प्लास्टिक का पैक था, फिर अंदर से जो इसके प्रोडक्ट थे ये भी प्लास्टिक से पैक थे, तो पैकेजिंग में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करता है, पर्पल पैकिंग भी काफ़ी अच्छा, रेंज भी अच्छा रहता है, और डिस्काउंट तो आते जाते रहते हैं इस पर, तो डिस्काउंट में भी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। गुड वाइब्स की स्टेकोर की के NY के सारी चीज़ें अच्छी होती है, पर चीज़ें लगाइए अच्छी चीज़ में लगाइए, ज़्यादा वेस्ट मत कहना था, क्योंकि मैं भी बहुत ही अफोर्डेबल चीज़ें खोजती रहती हूँ कि अफोर्डेबल रहे, अच्छी रहे, क्वालिटी अच्छा रहे और केमिकल वगैरह ना रहे, मेन तो ये होता है। तो इसके
गुड वाइब्स के प्रोडक्ट में ना ही पैराबिन होता, ना ही सल्फेट रहता है, ना ही कोई भी केमिकल उन्होंने डाल रहता है, तो पैराबिन सल्फेट फ्री रहता है उनका प्रोडक्ट। और जो भी उन्होंने यूज किया रहता है उसको उन्होंने प्रॉपरली मेंशन कर देते हैं वो हर एक चीज़ की, हाँ मैंने ये चीज़ डाली। तो आई थिंक ये जो वेरी गुड क्वालिटी। बस आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक करिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। और तब तक के लिए बाय।